अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अजीज तालिबे मोलिमीन, आप तमाम का नवाज़ उर्दू यूट्यूब चैनल में इस्तकबाल है। नवाज़ उर्दू यूट्यूब चैनल की जानिब से कर्नाटका टीटी के वीडियोस बनाए जा रहे हैं। तो आज के इस वीडियो में 6 नवंबर 2022 को कर्नाटका टीटी के चलने वाले पेपर 2 के साइकोलॉजी के आंसर हल किया जाएगा सिक्स्थ के स्टूडेंट्स के लिए। स्टूडेंट्स के आप इनके आंसर की बुनियाद पर अपने नंबरात का अंदाज़ा लगा सकते हो, कितने नंबरात आपने हासिल किए, कितने जवाब आपके सही हैं। तो चलो देखें, तो उर्दू मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, हाँ तो यहाँ पर 61वां क्वेश्चन। एक बच्चा खड़े होने से पहले चल नहीं सकता, इसी तरह दौड़ने से पहले उसे चलना सीखना होता है। ये उसूल कौन सा है? ये उसूल क्या है? उसूल नशोनुमा है। इंसानी सिफत जिसको तो तवारिस तय करती है, तवारिस मतलब विरासत से ताल्लुक है, किसे? ये क्या है? जहानत से ताल्लुक। बच्चों की इस उम्र के दौरान हम मकसद व औसाफ और गहरी दोस्ती होने का बायस बनती है। वो कौन सी उम्र है? वो सानवी बचपन होता है। अगला सवाल, खुद परस्त तामुल से आम परस्त तामुल की जानिब तब्दीली इस मरहले में होती है, वो कौन सा? ये क्या है? कबल स्कूल मरहले में, कॉलेज स्कूल मरहले। वाइगोस्ट की के मुताबिक बच्चों के इक्तिसाब पर जील का जोरदार असर होता है। जील का जोरदार असर वो है समाजी उनसर पर, समाजी उनसर पर। इसके बाद है थर्स्टॉन के जुदा करदा ग्रोह के अनासिर की कुल तादाद। थर्स्टॉन क्या है? टोटल 7 क्या है? अनासिर को उजागर किया, जुदा किया। अगला सवाल, कसीरुल अनासिर जहानत नजरिया मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी पेश करने वाला कौन था? एलएल थर्स्टॉन था, एलएल थर्स्टॉन। यहाँ पर दो बयान दिए गए हैं। बयान ए क्या कहता है? औरतों का दिमाग मर्दों के मुकाबले छोटा होता है। बयान भी, औरतों के दिमाग में ज्यादा परतें होती हैं जिसकी वजह से ऊपरी सतह पर ज्यादा टिश्यू होते हैं। तो इसमें सही जवाब है बयान ए और बयान दो, दोनों क्या है? गलत है, दोनों क्या है? गलत है। गैर रस्मी और रस्मी तालीम की दरमियान के जोड़ का सही इंतखाब, जोड़ का सही इंतहा। यहाँ पर क्या है? थोड़े तालीमात दे हैं रस्मी और गैर रस्मी, तो इनको की जोड़ लगाने पर हमें पता चलता है इसमें तीसरा ऑप्शन जो है वो सही है। तीसरा ऑप्शन क्या है? सही है। अगला सवाल, फर्द ए की तहरीर फर्द बी से मुख्तलिफ होती है, ये क्या कहलाता है? ये क्या है? हल्की महारत कहलाता है। क्या? हल्की महारत कहलाता है। अगला सवाल, केस स्टडी तरीकेकार को स्कूली तालीम में अपनाने की वजह, स्कूली तालीम में क्या है, क्यों अपनाया जाता है? क्योंकि ये तालिबे इल्म की इल्म को तहकीक करने और मुबाहिसा की अक्कासी फराहम करता है, मुबाहिसे की अक्कासी। अगला सवाल, नतीजों पर पहुंचना और फैसले लेने की सलाहियत, ये क्या है? इस्तदलाल है। इस्तदलाल मतलब दलील, सबूत। सबूत के बुनियाद पर क्या हमें फैसलों को नतीजों को पहुंचते हैं। जेल में से एक इक्तिसाब में
खुद एहतसाब का आला नहीं है, खुद एहतसाब का आला कौन सा नहीं है? 81% क्या है? 81% क्या है इसका? उनसर जो कारकर्दगी पर मुबनी एहतसाब की हिमायत नहीं करता है, जिससे तलबा में आला पैमाने की सोच हुनर पैदा हो होता है, वो कौन सा है? वो है जानकारी को जमा करना ताकि किसी नतीजे पर पहुंच सके। ये जवाब सही है। अगला देखो, तालिब इल्म बात करते वक्त अल्फाज को याद नहीं कर सक कर याद नहीं रख पाता और लड़खड़ा जाता है। इस इक्तसाबी माजूरी का इस सूरत हाल में मुशाहिदा किया जा सकता है। कौन से सूरत हाल में मुशाहिदा किया जा सकता है? वो है डाइसफेजिया। डाइसफेजिया, डाइसफेजिया। अगला सवाल, एडीएचडी का लॉन्ग फॉर्म क्या है? एडीएचडी का लॉन्ग फॉर्म है अटेंशन डेफिसाइट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, इसका लॉन्ग फॉर्म है। अगला सवाल, बैनुल अक्वामी इदारा बराए सेहत यानी WHO के मुताबिक एक फर्द जिसका IQ 35 से 39 है वो माजूरी के इस जुमरे में आता है, वो माजूरी के हल्की यानी मिडल जुमरे में आता है। अगला सवाल, स्कूल के तेज तर इंतजामिया के मुताबिक जील के बयान गलत है, कौन सा बयान गलत है? जील में से कौन सा बयान गलत है? उसमें क्या है? दूसरा ऑप्शन गलत है। क्या है ये? ये जवाब सही है। इसलिए से निचली जमातों और नंबरात के बगैर ही आला जमातों में दाखिला लेना, ये जुमला सही है। इसके लिए जवाब, ये जवाब सही है। अगला सवाल, क्लास में तदरीस के मुताल्लुक जील के बयान सही नहीं है, ये देखो सही नहीं है, कौन सा सही नहीं है? इसमें क्या है? इसमें भी दूसरा ऑप्शन सही नहीं है। तदरीस रस्मी और गैर रस्मी दोनों सूरतों में होती है, ये बयान सही नहीं है। अगला सवाल, इब्तदाई दौर में इक्तसाब सहल करने का आसान तरीका, उसका जो सही जवाब है मुजाहिदा, मुजाहिदा सही जवाब। अगला सवाल, मखसूस नजर के कायल तलबा की तदरीस के लिए बेहतर तरबियत कौन सी है? बेहतर तरबियत क्या है? बाहमी इमदाद और दोस्तों की मदद से तलबा को मवाद फराहम करना, तलबा को मवाद फराहम करना। अगला सवाल, मुतालिम की खुद पाबंदियों से मुराद, मुतालिम की खुद पाबंदियों से मुराद अपने इक्तिसाब की खुद निगरानी करने की सलाहियत है, खुद निगरानी करना है। अगला सवाल, पहले हासिल शुदा जानकारी में नई जानकारी को जमा करने का अमल क्या कहलाता है? जमा करने का अमल इंजजाब कहलाता है, इंजजाब। अगला सवाल, क्लासरूम में लड़की लड़कों के साथ बैठने से इनकार करती है, इस किस्म की जिनसी इख्तलाफात की वजह इख्तलाफ की वजह क्या है? ये है क्या, ये क्या है? जिनसी इख्तलाफ की वजह नामवाफिक इख्तलाफ, इसका जवाब। पहला, एक उस्ताद इस बात का मुशाहिदा करता है कि एक तालिब इल्म अपने से मसले को सुलझा नहीं पा रहा है मगर अपने सीनियर की मदद से उस काम को अंजाम दे रहा है, इस तरह क्या है मदद, कौन सी मदद होती है? इस तरह क्या है? बाहमी इमदादी नशोनुमा है, बाहमी इमदादी नशोनुमा। अगला सवाल, एक उस्ताद जो एक कमेटी का सरबराह है उसे चेयरमैन के बजाय चेयरपर्सन कहलाना पसंद करता है, ये इस बात की निशानदेही करता है, ये किस बात की? गैर जिंसी अल्फाज का इस्तेमाल किया जा रहा है, गैर जिंसी अल्फाज का, राइट। माइल बा मरकज सोच यानी कन्वर्जेंट का बेहतरीन मुजाहिरा यहाँ होता है, कन्वर्जेंट का बेहतरीन मुजाहिरा कहाँ होता है? स्कूल में होता है। अगला सवाल, क्लासरूम में तबादले इल्म के अमल में
इस्तेमाल किए जाने वाले तरीके मसलन खेलना, कोच वगैरह इस खेल को जाना एक्चुअली तरीकेकार का इस हिस्सा है। यहाँ पर कौन सा था इसमें, तलबा मरकूज तरीका का है, तलबा मरकूज तरीका खेल कूद के बच्चों को खेल कूद के पढ़ाया जाता है। क्लासरूम में तबादले इल्म के अमल, तबादला इल्म के अमल में इनाम और सजा का अमल कौन सा है, इनाम और सजा का अमल क्या है, कौन सा है, कमक है, कमक कमक आता है। अगला सवाल, साइकोलॉजी का आखिरी सवाल, माजलूमी माजलू की महरिका दर्जाबंदी में, माजलू की महरिका दर्जाबंदी में खुद यकीनी का मरहला कौन सा, इसमें खुद यकीनी का मरहला पांचवा मरहला है। ये रहा साइकोलॉजी के की आंसर्स। अगर इसमें इसकी आंसर में अगर कोई आपको डाउट हो तो कमेंट कीजिएगा, इंशाल्लाह उस पर मजीद तफसील आएंगे। उम्मीद है कि हमारा वीडियो आपको पसंद आया होगा। इंशाल्लाह अगली अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।